हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रोमन रेंस बाहर हो चुके हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप पिक्चर से, और आज के एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के रिजल्ट्स के बारे में भी। दोस्तों, आज का एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू काफी शॉकिंग था और अनप्रेडिक्टेबल भी, जिसकी वजह से ये पेपर व्यू वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू रहा है। बहुत सारे शॉकिंग मोमेंट भी हमें देखने मिले, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पेपर व्यू के रिजल्ट्स के बारे में। फर्स्ट मैच, एंड्राडे सीएन एलमास ने हरा दिया सिनकारा को एक हैमरलॉक डीडीटी देकर फॉर द विन। सेकेंड मैच, सैनिटी ने हरा दिया द न्यू डे को जब कोफी को टेबल पर पटका गया। थर्ड मैच, एक शॉकिंग अंदाज में बी टीम ने हरा दिया डिलीटर्स ऑफ द वर्ल्ड टीम को और वो बन गए न्यू रॉ टैग टीम चैंपियन। फोर्थ मैच, फिन बैलर ने बैरन कॉर्बिन को रोलअप से हराया, और इस मैच के बाद बैकस्टेज ब्लर्चन ब्रदर्स केन और डैनियल बाइन पर अटैक कर रहे थे और उन्होंने केन को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। फिफ्थ मैच, कार्मेला ने आस्का को हराया और रिटेन किया अपना स्मैकडाउन लाइव विमेंस चैंपियनशिप, जब कार्मेला ने आस्का को फेस फर्स्ट स्लाइड किया केज की तरफ, पर मैच के बाद आस्का ने जेम्स एल्सवर्थ पर जोरदार अटैक किया। सिक्स्थ मैच, शिंसुके नाकामुरा ने हरा दिया जेफ हार्डी को और वो बन गया आपके न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। नाकामुरा ने एक स्क्वॉश मैच दिया, बेल रिंग होने से पहले ही नाकामुरा ने लो ब्लो दिया हार्डी को, पर वो चीज रेफरी ने नहीं देखी, और फिर जैसे ही बेल रिंग हुई वैसे ही नाकामुरा ने जेफ हार्डी को किनशासा दिया और विन हासिल कर ली। और मैच के बाद रैंडी ऑर्टन की म्यूजिक बजी और वो बड़ी चीयर्स के साथ रिंग में आए, और फिर रैंडी ऑर्टन रिंग में आकर जेफ हार्डी पर एक जबरदस्त स्टॉम्प मूव करते हैं, और दोस्तों फाइनली हमें इस तरह देखने मिला है रैंडी ऑर्टन का हील टर्न। सेवेंथ मैच, केविन ओवंस ने हराया ब्रॉन स्ट्रोमैन को इन अ स्टील केज मैच। एक जबरदस्त मैच के एंड में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने केविन ओवंस को चोक स्लैम दिया केज के ऊपर से सीधा अनाउंस टेबल पर, और फिर इस तरह से केविन ओवंस ये मैच जीत गए। मैच के बाद एक इंजर्ड केविन ओवंस को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। एट मैच, ब्लर्जन ब्रदर्स ने हरा दिया टीम हेल नो को, रिटेन किया अपना स्मैकडाउन लाइव टैग टीम चैंपियनशिप्स। नाइन्थ मैच, एलेक्सा ब्लिस ने हरा दिया नाया जैक्स को, रिटेन किया अपना रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप एक जबरदस्त डीडीटी देकर ऑन द स्टील चेयर। इस मैच में हमें रोंडा राउजी का भी एक्शन देखने मिला था। टेंथ मैच, एजे स्टाइल्स ने हरा दिया रूसेफ को और रिटेन किया अपना WWE चैंपियनशिप, जब एजे स्टाइल्स ने रूसेफ को दिया एक फिनोमिनल फोरआर्म। 11th मैच, दोस्तों आज के एक्सट्रीम रूल्स का मेन इवेंट हुआ था डॉल्फ ज़िगलर वर्सेस सेथ रॉलिंस 30 मिनट आयरन मैन मैच फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। काफी जबरदस्त मैच हुआ ये, पर दोस्तों क्राउड इस मैच को खराब कर रही थी। दोस्तों मैच एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गया था जब दोनों के पॉइंट्स 4-4 से टाई हो गए थे, और फिर दोस्तों सडनली कर्ट एंगल आते हैं और कहते हैं सडन डेथ ओवरटाइम, मतलब अभी जो भी पहले पिन करेगा वो ये मैच जीत जाएगा। और फिर जैसे डॉल्फ ज़िगलर रिंग की तरफ बढ़ते हैं, तभी ड्रू मैकइंटायर आउट ऑफ नोवेयर आकर सेथ रॉलिंस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और इसी का फायदा उठाकर फिर डॉल्फ ज़िगलर आकर सेथ रॉलिंस को ज़िगज़ैग दे देते हैं फॉर द विन, और फिर इस तरह से वो रिटेन करते हैं अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड द 12th मैच, एक जबरदस्त ढांसू मैच में बॉबी लैशली ने हरा दिया रोमन रेंस को एक ढांसू स्पीयर के साथ। इन दोनों की मैच काफी जबरदस्त रही और कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा ये मैच। बहुत सारे क्लोज पिनफॉल्स हमें देखने मिले और एक्सट्रीम मूवमेंट्स भी, पर एंड में समाओ लैशली ने स्पीयर देकर ये मैच जीत लिया और रोमन रेंस अनफॉर्चुनेटली ये मैच हार गए। दोस्तों कर्ट एंगल ने बैकस्टेज इंटरव्यू में कहा कि उनकी पॉल हेमन से बात हो चुकी है ब्रॉक लेसनर के नेक्स्ट टाइटल डिफेंस के बारे में, पर पॉल हेमन कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर इंटरेस्टेड नहीं है किसी से फाइट करने के लिए। तभी कर्ट एंगल कहते हैं कि कैसे ब्रॉक लेसनर UFC में शो अप करते हैं WWE में टाइटल डिफेंड किए बिना, और इसे दिखता है कि ब्रॉक लेसनर जरा भी केयर नहीं करते WWE के बारे में। इस चीज से मैं परेशान हो गया हूँ और फैंस भी परेशान हो गए हैं। कर्ट एंगल कहते हैं कि पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर को रॉ में आना ही होगा और नेक्स्ट मैच के बारे में बात करनी होगी फॉर ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर्ट एंगल स्ट्रिप कर देंगे ब्रॉक लेसनर को ऑफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल है कि क्या रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप से बाहर हो चुके हैं? तो इसका आंसर है शायद, क्योंकि बहुत सारे रेसलिंग फैंस को बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर की ड्रीम मैच चाहिए थी एट SummerSlam, और विंस मैकमैन रोमन रेंस को लोगों से ज़्यादा बू नहीं करवाना चाहते थे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए हमें बॉबी लैशली दिख रहे हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप पिक्चर में,
पर हमें देखना होगा कल के रॉ में कि क्या होता है रोमन रेंस का फ्यूचर। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और ये भी बताइए कि आपको कैसा लगा आज का एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू, और क्या आप खुश है बॉबी लैशली के आज के जीत से। तो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।